नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। अब देखते हैं आज के प्रमुख समाचार, जिसके सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन। अगली बार जब भी आप सब्जी खरीदे, दिव्य शंखनाद की इस विशेष रिपोर्ट को देखकर बताई गई बातों का ध्यान रखें। फिर देखेंगे कैसे बीता लॉकडाउन 2.0 का 14वां दिवस प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी में। मुख्य घटनाक्रमों पर एक नजर। अब समाचार विस्तार से। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन कर लेते हैं। आज वैशाख शुक्ल पक्ष छठ है। बुधवार 29 अप्रैल 2020। आज प्रभु को सूतन पटका का श्रृंगार धराया जाता है। इसके तहत प्रभु की साथ सेवा के दर्शन करें तो आज श्री जी में फिरोजी धोरा के रंग की मलमल की रुपहरी किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर बिछावट की जाती है। श्री जी की वस्त्र सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को आज फिरोजी धोरा के रंग की मलमल का धोरा वाला सूथन और राजशाही पटका धराया जाता है। दोनों वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं। ठाड़े वस्त्र गुलाबी रंग के धराए जाते हैं। श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार एवं आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज मध्य का घुटने तक का उष्णकालीन छेड़ान का श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर फिरोजी धोरा के रंग के फेंटा के ऊपर सिर पेच सफेद चमक की चंद्रिका कतरा तथा बाई ओर शीश फूल धराया जाता है। श्री कर्ण में लोलक बिंदी लड़ वाले कर्ण फूल धराए जाते हैं। श्वेत पुष्पों की दो सुंदर कलात्मक माला जी धराई जाती हैं। प्रभु के श्रीहस्त में कमल छड़ी गंगा जमुनी के वेणु जी एवं दो वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में प्रभु को आज पट उष्ण काल का व गोटी बाघ बकरी की आती है। वहीं श्री जी की राग सेवा में आज मंगला में आम बेचन आई मैया को, राजभोग में बन्यो है वामना चंदन को वागो, आरती में ओहो कान गैया कित बिडरानी, शयन में आज को दिन धन धन रिमाई तथा पोड़वे के पद में चापत चरण मोहन लाल कीर्तनों का गान किया जाता है। अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार रहता है। आज के श्रृंगार की एक विशेषता है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। श्री जी को आज का श्रृंगार ताज बीवी बादशाह अकबर की बेगम थी उसके भाव से धराया जाता है। ताज बीवी बादशाह अकबर की बेगम थी, प्रभु की भक्त और श्री गुसाई जी की परम भगवतीय सेवक थी। उन्होंने कई कीर्तनों की रचना भी की है और उनके सेव्य स्वरूप श्री ललित त्रिभंगी जी वर्तमान में गुजरात के पोरबंदर में श्री रणछोड़ जी की हवेली में विराजित हैं। आज का सूथन पटका का यह श्रृंगार ताज बीवी की विनती पर सर्वप्रथम भक्त कामना पूर्वक श्री गुसाई जी ने धराया था। ताज बीवी की ओर से यह श्रृंगार वर्ष में 6 बार धराया जाता है। भाद्र पक्ष शुक्ल चतुर्थी गणेश चतुर्थी के दिन यह श्रृंगार नियम से धराया जाता है। यद्यपि इस श्रृंगार को धराने के अन्य 5 दिन निश्चित नहीं है। प्रभु की लीला अपरंपार है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप भी अपने घर के लिए नित्य सब्जियां खरीदते ही हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान सब्जियों के भावों को दिमाग में रखिए और हमारे प्रतिनिधि कमलेश पालीवाल की इस विशेष रिपोर्ट को देखिए सीधे सब्जी मंडी से आपके घर तक में कहां क्या हो रहा है। यह लालबाग स्थित होलसेल सब्जी मंडी है जो अभी अभी नई स्थानांतरित हुई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय किसानों की पैदा की हुई सब्जियां यहां पर बहुत ही कम दामों में बिक रही हैं, तत्पश्चात होलसेल व्यापारियों द्वारा भी काफी कम भावों में ही बेची जा रही हैं। लेकिन आपके घरों में यह किस भाव में पहुंच रही है, आप खुद तुलना कीजिए। सुनिए एक होलसेल के व्यापारी से वहाँ के भावों के बारे में। सब्जी मंडी में ठीक है, अभी किसानों का ठीक है, बहुत अत्याचार हो रहा है, ठीक है, कोई माल लेने वाला नहीं, ग्राहक नहीं है। टमाटर होलसेल में 5 रुपये किलो बिक रहे हैं, फूल गोभी 5 रुपये किलो बिक रही है, भिंडी 10-12 रुपये किलो, आल 5-6 रुपये किलो, मिर्ची 7-8 रुपये किलो, केरी 15-20 रुपये किलो, ककड़ी 4-5 रुपये किलो, ग्वारफली 15-20 रुपये किलो, तोरमी 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो बिक रही है। टमाटर क्या भाव? टमाटर 5 रुपये किलो, आल आल 7-8 रुपये किलो। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपके घरों में यह सब्जियां किन भावों में पहुंच रही हैं। जैसे कि यह गाड़ी है, महाराष्ट्र के नासिक से आई है, अंगूर लेकर आई थी, ऐसी जानकारी हमें दी गई है। इसके अलावा आसपास के जिलों से भी सब्जियां लेकर गाड़ियां यहां पर आ रही हैं। इस रिपोर्ट को दिखाने के हमारे दो मकसद हैं। एक तो स्थानीय किसानों की सब्जियां बिक नहीं रही हैं, बाहर से भी सब्जियां आ रही हैं, उसके बावजूद जब लोगों के घरों तक पहुंच रही हैं तो सब्जियां बहुत अधिक महंगे भावों में पहुंच रही हैं। दूसरा पहलू है बाहर से फल और सब्जियों के आने का, उनकी जांच किस प्रकार से हो रही है और क्या ये कोरोना के कैरियर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि गुजरात एवं महाराष्ट्र के कई ऐसे क्षेत्रों जो वर्तमान में हॉटस्पॉट बने हुए हैं, वहाँ यह पाया गया था कि सब्जियों का यह व्यापार करने वाले और छोटे ठेला गाड़ी में बेचने वाले व्यापारी कोरोना के कैरियर बने थे और उसके पश्चात वहाँ बड़े पैमाने पर कोरोना फैला था। नाथद्वारा नगर के स्तर की बात करें तो निश्चित रूप से SDM और जिला स्तर पर बात करें तो जिला कलेक्टर को इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता लगती है। आइए अब देखते हैं नाथद्वारा में कैसे बीता लॉकडाउन के दूसरे चरण का 14वां दिवस। प्रारंभ में नगर के आज के मंगला के समय के दृश्य हैं, जिसमें देखने जैसा कुछ नहीं है, सुनने जैसा है। नगर में कैसा माहौल है यमुनाष्टक से। श्री जी मंदिर में अष्टयाम सेवा जारी है, प्रसाद का वितरण भी जारी है। यह जो दृश्य देख रहे हैं यह दूसरे चरण के 14वें दिवस के हैं। लॉकडाउन का पूर्णतः पालन हो रहा है, गलियों में बल्लियां आदि लगाकर रास्ते रोक दिए गए हैं, प्रमुख रास्ते ही चालू हैं, सेवा कार्य भी निरंतर जारी ही हैं। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा नाथद्वारा से है, जहाँ बैंक कर्मचारियों की निष्ठा एवं समर्पण पूर्वक सेवा को देखते हुए, जहाँ साहित्य कला एवं संस्कृति संस्थान के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मुरलीधर कनेरिया ने पूरे स्टाफ को उपरना पुस्तक प्रदान कर सम्मानित किया। आइए अब कोठारिया में हनुमान जी मंदिर की आरती के दर्शन करते हैं। कल जब हमारे प्रतिनिधि हरीश तिवारी निकले तो उन्हें यह दृश्य दिखाई दिए कल्लाखेड़ी पाटिया पर, जहां पर ग्रामीणों ने बाहर से आने वालों के लिए रास्तों को इस प्रकार से अवरुद्ध कर दिया है। यह गांव को गुंजोल से जोड़ने वाला रास्ता है। उल्लेखनीय यह है कि नाथद्वारा के करौली क्षेत्र में एक कोरोना पॉजिटिव जो मिला है वह मुंबई से आया था, इसी भय के कारण इस प्रकार के कदम ग्रामीणों द्वारा उठाए जा रहे हैं। अपने सुरक्षा के लिए यह उन्हें ठीक लगता होगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जो बाहर गया हुआ है और यहाँ आ रहा है वह भी गांव का ही निवासी है
और कोई भी कोरोना साथ में लाकर अपने परिवार को जोखिम में नहीं डालेगा। यदि ऐसा होता तो आपको यह दृश्य नहीं दिखाई देता। यह रतनपुर बॉर्डर पर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल हैं, जो राजसमंद जिले के पंडाल का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पर गुजरात से आने वाले सभी राजसमंद के प्रवासियों की स्वास्थ्य जांच आदि कर उन्हें उनके ठिकाने पर पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। कल 79 लोगों को पहुँचाया भी गया है। दूसरी तरफ नगर में कोरोना की स्थिति कल इस प्रकार रही कि जिले में 43 सैंपल लिए गए थे, उनमें से सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। केवल एक ही पॉजिटिव है अभी तक 591 में से। उनमें से 562 की नेगेटिव रिपोर्ट आई है और 28 की रिपोर्ट आना बाकी है। जानकारी के अनुसार नाथद्वारा के सार्वजनिक अस्पताल में 60 मरीज अभी आइसोलेशन में भर्ती हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि जिले में अभी तक 562 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, आज लिए गए 28 सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है। यह थे आज के समाचार, कल फिर मिलेंगे, देखते रहिए दिव्य शंखनाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाट्य कोठारिया से, हरीश तिवारी सेमा से, प्रकाश चंद्र भील एवं कांकरोली से गौरव पालीवाल की रिपोर्ट। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका सा, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। जय श्री कृष्ण।